वेलकम है स्टूडेंट्स इन मैजिक स्टडी होम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का मिसलेनियस चैप्टर से क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि इंटीग्रेशन क्लास 12 का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवेन है इंटीग्रेट 1/x − x³, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करने चलोगे तो आप देखोगे इसके इस तरह का तो कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है ही नहीं, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला जो गिवन है, हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है इंटीग्रेशन का, उसके फॉर्मेट में लाना होगा इसको, तब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको करने के लिए आप दो तरीका है, या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड कर दो, या फिर इसमें से x कॉमन ले लो। दो तरीका से आप कर सकते हो। तो मैं पहला तरीका यूज करता हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x³ से डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर को भी x³ से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x³ से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दूँ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x³, और यहाँ से क्या आपको फाइंड होगा। तो x से अगर x³ को डिवाइड किया जाएगा तो देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/x²। यहाँ पे देख सकते हैं x³ और x³ बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चे क्या यहाँ पे हमें 1 फाइंड होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे हमें फाइंड हुआ है 1/x²-1, इसको हम कुछ मान लेंगे, या आप t मान लो या आप z मान लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल में रख देंगे t, ठीक है। और आपको पता होगा जिसको भी हम मानते हैं, t माने या z माने, उसको हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले फर्स्ट टर्म को करोगे डिफ्रेंशिएट आप, फिर किसको करोगे आप, सेकंड टर्म को करोगे डिफ्रेंशिएट। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x² को, तो आपको रूल पता होगा 1/फंक्शन का, अगर किसी भी फंक्शन गिवन हो, कुछ ऐसा गिवन होगा जैसे कि मान लीजिए 1/फंक्शन गिवन हो, ठीक है, और इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है −1/फंक्शन² × डिफ्रेंशिएट फंक्शन, ठीक है। क्या होता है, नीचे जो फंक्शन गिवन होगा वो तो रहेगा ही, उसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन होगा, ठीक है। फिर जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर 1 है और नीचे में क्या है, फंक्शन की जगह x² है। तो रूल क्या है, −1/फंक्शन² यानी कि यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो −1/x² x² का स्क्वायर, ऑलरेडी से x² है फंक्शन की जगह, और फॉर्मूला में जो भी फंक्शन होता है ना उसका स्क्वायर करना होता है। तो ऑलरेडी जब x² है और फॉर्मूला से स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भी फंक्शन होता है ना यहाँ पे, उसका हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है। तो फंक्शन क्या गिवन है, x², x² का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा आपको। अब कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा कि 0 होता है, ठीक है, तो उसका हमें नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, −1/x⁴। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन को देखो तो क्या होगा, −1/x⁴ हो जाएगा। अगर आप x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये किस फॉर्मूला पे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है, पहले पावर को लिखते हैं, फिर फंक्शन को लिखते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, फिर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितना है, 2, तो पहले आप 2 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, जो फंक्शन होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन पे क्या है, x ही है ना फंक्शन, तो x लिख देंगे। फिर जो पावर होता है उसमें से 1 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और फिर से फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और dt तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/x⁴ और यहाँ पे क्या होगा, x dx dt। यहाँ पे देख सकते हैं बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2/x³ और सॉरी माइनस भी तो था, −2/x³ × dx/dt = dt, सॉरी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो dx/x³ = dt − dt/2, क्यों,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं डी बाई एक्स क्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो डी एक्स बाई एक्स क्यू के बदले आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई टू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको डी एक्स बाई एक्स क्यू के बदले क्या लिख देंगे, माइनस डी टी बाई टू, क्या लिखेंगे, माइनस डी टी बाई टू। और वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने क्या माना था, टी माना था ना, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, टी। और आपको एक रूल बता दूं कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बचेगा, टी टी बाई टी। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में नो डिग्री, कोई भी डिग्री नहीं है, नीचे अगर कोई भी फंक्शन की मेन हो उस पर फर्स्ट डिग्री यानी कि ऊपर वन पावर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड और नीचे जो भी फंक्शन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू लॉग मॉड टी, ठीक है। और टी को आपने क्या माना था, टी को आपने माना था वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ठीक है। तो टी की जगह क्या रख देंगे, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कर लो आप, तो माइनस वन बाई टू लॉग फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस सिक्स स्क्वायर। और हाँ, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लगाना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व, इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हो मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, अभी इस स्टेप को फॉलो करो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इसको सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों को। अब मैं इसको सेकंड मेथड से बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पार्शल फ्रैक्शन। तो कैसे हम पार्शल फ्रैक्शन की मदद से इसको कर सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे एक्स है और एक्स क्यूब है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स तो आ सकता है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स तो बाहर आ गया ना, तो क्या बचेगा वन, और एक्स क्यूब से एक्स बाहर आया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो पार्शल फ्रैक्शन की मदद से, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, अगर आपने इंटीग्रेशन में पार्शल फ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। पहले वाला जो फैक्टर है उसको ए के नीचे लिखेंगे, दूसरे वाले को किसके नीचे लिखेंगे, बी के नीचे, और तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, सी के नीचे। अब इसके मदद से आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, और बस इसके इक्वल में इसको रख दोगे, ए के नीचे जो वाई का वैल्यू आएगा उसके नीचे ये रहेगा, बी के नीचे जो वैल्यू आएगा वो रहेगा, और सी के नीचे जो वैल्यू है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये है पार्शल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करने का तरीका। आप लोग सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, फिर मैं बता दूंगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया उस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आप लोग घर पर ट्राई करो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन मेरा, इंटीग्रेट वन बाई एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, तो आप एक ही क्वेश्चन करो, फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।